नमस्कार, मैं हूं जया वाजपेयी और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल के रविंद्र भवन में दंतों पर ठींगड़ी स्मृति राष्ट्रीय व्याख्यान माला का आयोजन हुआ, जिसमें केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भारत की सांस्कृतिक एकात्मा पर व्याख्यान दिया। उन्होंने ठींगड़ी जी के मध्य प्रदेश में बिताए सक्रिय जीवन और उनकी गहरी वैचारिक जड़ों को सराहा। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत पर अपने विचार साझा किए। आरिफ मोहम्मद खान ने भारत की आस्था और विविधता पर जोर देते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपनी विशेषताओं के अनुसार विकास का अधिकार है और एकात्मा हमारे दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ी है। ये बड़ी बड़ी इमारतें जो आपको नजर आती है, और इमारत भी छोड़ दी, जो बड़े पेड़ नजर आते हैं उनकी जड़ें बहुत गहरी होती है। बगैर गहरी जड़ों के बड़ा पेड़ बन नहीं सकता। और कुछ ऐसे लोग होते हैं, उनके अंदर एक समर्पण भाव होता है, जहां वो नींव का पत्थर बनना चाहते हैं। निश्चित तौर पर जितना भी आप पढ़िए दत्तोपाध्याय ठेंगड़ी जी के बारे में, तो ये बात स्पष्ट होती चली जाती है। हमारे एक मित्र हैं, उनका लेख है राजकुमार भाटिया जी का, तो उन्होंने कहा कि गुरु गोलवालकर जी को दो बहुत ही सक्षम और विश्वसनीय सहयोगी मिले, एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय और एक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी। और खुद शायद मुझे ये बात को कहूँगा, जब हमारे मुकेश जी बोल रहे थे तो उन्होंने उनकी एक छोटी किताब उसका जिक्र किया, तो दीनदयाल उपाध्याय जी के दो या तीन लेक्चर हैं जो उन्होंने मुंबई में दिए थे एकात्मतावाद पर, और वो मैं बहुत दफा ये बात कह चुका, मैं इस विषय पर, ये मेरा बड़ा प्रिय विषय है। इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए समय जगत। नमस्कार।